आपको बड़ी अच्छी कुछ सीरीज़ मिलेंगी कि पार्टीशन के टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री कैसे बनी थी तो पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारे लोग जो है जो अभी पाकिस्तान है उसकी और शुरू में क्या होता था कि अनफॉर्चुनेटली जो महिलाएं हैं वो अपने कोई परिवार जो है अपनी बेटियों को इस तरह की जगहों पे जाने देते नहीं थे मेरे माता पिता की ये सोच थी कि अगर तो वहाँ पे काम करेगी या मेकअप लगाएगी तो वापस घर आना हर you know, एक इंसान जो है वो एक फिल्म इंडस्ट्री को इसी तरह से देखता था you know, जिस जिस तरह से ये हमने आकर जो है फिल्मों में एक गरिमा लाई है एक कोई नई हीरो ना है तो पहले दाऊद को सलाम करके आओ hmm. आप, आप मतलब इसमें पैदा हुए हुए हैं सब एक्ट्रेस के एक्टर्स की फोटो आपको दाऊद के साथ में मिलती है दिवर्ण और आपको ये भी खुले में पता चलता है कि अगर डॉन को कोई लड़की पसंद आती है तो उसको लेके जाते हैं ये आपको ये बात खुले में पता है कौन सी कितनी हीरोइंस के साथ में ऐसा हुआ हुआ है यू you नो know, हमने देखा हुआ है कि वो चाहे मोनिका बेदी हो चाहे वो आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बट यू यू नो के यू नो इस तो हमारे माता पिता तो को कैसा लगेगा अगर फिल्मों में जारा? हम हम भी तो एटीज में पैदा हुए ना अब हम लोग 2000 में फिल्मों में जाना चाह रहे हैं आप उस टाइम की इंडस्ट्री सोचो उनके तो होश हो जाएंगे वो तो मर ही जाएंगे और वो मेरे घर की स्थिति थी मरने वाले कहते मतलब हम लोग तो आत्महत्या कर लेंगे तुम अगर ऐसा करोगे तो फिल्मों में जाओगे तो। इस और इसमें जैसे कहते ना स्वच्छ भारत अभियान आपने चलाया है मैंने नहीं चलाया मैंने नहीं चलाया 2014 में कई सारी दो हजार चौदह में देखिए सबसे पहले तो देश से करप्शन गया ये एक वेव होती है।, भाई एक नहीं कर हम तो जुड़े है साथ में उस चेतना से हम जुड़े हैं साथ में करप्शन पे टारगेट हुआ कि नहीं हुआ अंडरवर्ल्ड पे टारगेट हुआ नहीं क्या बुलडोजर चले कि नहीं चले चले बुलडोजर गोलियां चली बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं भाई अगर आप बोलते हैं। अगर आप कानून अगर आप कानून को वो कर मेनुपुलेट करते एक्सप्लॉइट कर सकते हैं तो और भी कई चीजें होती है तो बॉलीवुड की तो सफाई होनी थी तो हम देखिए हम उस चेतना शक्ति से जुड़े हुए हैं बट ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं कर तो श्री राम ही रहे हैं बट उन वो लोगों के थ्रू करेंगे ना आखिर कुछ सवाल आपसे मंडी को लेकर एक धारणा बनी है कि बॉलीवुड के स्टार चुनाव लड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं गोविंदा सनी देओल इनके बारे में सब बोला गया आप क्या आश्वस्त करना चाहेंगी मंडी की जनता को कि अगर चुनके देते हैं तो मैं यहीं रहूंगी और काम करूंगी मैं वापस मुंबई जाके अपना प्रोजेक्ट लेकिन यहाँ की जनता को कभी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि वो एक लोगों को एक आपसे अश्योरेंस चाहिए कि यहां रहेंगी और हमारे साथ मैं यही ही हूँ मैंने जब मेरे पास ऑप्शन थी मुंबई में मैं लोगों को जानती हूँ दौलत शोहरत आने के बाद में वो मतलब अपने पेरेंट्स को भी नहीं मिलते हैं इस तरह के लोगों को मैं जानती हूँ ठीक है लेकिन मैंने जो है हमेशा से ही जब पॉलिटिक्स दूर दूर तक नहीं थी तो मैंने तो अपनी रूट्स कहाँ मनाली में जाके बनाए मैं हमेशा मनाली में ही होती हूँ ये बात अलग है कि मैं पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होती हूँ अपने घर पे होती हूँ और सारे गांव को पता होता है कि भाई कमना आई हुई है आसपास के जो घरों वाले वो बात करते हैं लेकिन उससे पहले तो मेरी रूट्स और कहाँ हैं तो मेरे मैं मनाली की ही हूँ लेकिन अब अगर मैं किसी और चीज़ में इन्वॉल्व होती हूँ तो नेचुरली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगे और मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि जिन लोगों का आपने नाम लिया वो लोग वहाँ के नहीं हैं उनके घर जमीने वहाँ की नहीं हैं मैं आज इस प्रदेश का जो है अगर मैं डेवलपमेंट में हिस्सा बन सकती हूँ या किसी तरह से आ गया तो ये तो मेरी मातृभूमि है ना बिल्कुल और अगर आप चुन के आई हैं तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है इसी चर्चाएं कंगना अगर चुनती हैं तो एक प्लेटफॉर्म बड़ा होगा केंद्र में एक बड़े बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी हो सकता है आपको कैबिनेट या किसी तरह का पोर्टफोलियो भी मिल जाए देखिए मैं मैं तो हमेशा यही सोचती हूं कि आ, आपको जिंदगी जो आप जिसके लायक है वो दे देगी आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है तो मेरे चाहने या ना चाहने से मैं अपनी उम्मीदें ऐसे नहीं रखती हूं कि ये मिले तो मुझे हां कि जिससे जो है मुझे कल को कोई डिस हो जाए या काम में मन ना लगे मैं अच्छा करूंगी तो अच्छा ही मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा जो लोग अच्छा करते हैं देखिए हमारे कहा पहुंच गए कहाँ पहुंच तो गए तो मिले, मिले, कभी कभी तो तो कंगना जी इसी फाइटर इमेज के साथ आप जो फाइट कर रही हैं उसको लेकर आपसे मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा उम्मीद करते हैं कि 4 जून के बाद आपका वापस इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा जहां पर आप एक जीती हुई प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगी और एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जनता की सेवा करेंगी मंडी में कंगना जी हमारे साथ थी और उनको शुभकामनाएं हम देते हैं और आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं नमस्ते एबीपी न्यूज आपको रखे आगे, आगे।